ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनेश्वराय नमः। मित्रों, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, पांच राशि वालों की किस्मत आज 13 फरवरी यानी कि कुंभ संक्रांति से ही एकदम जबरदस्त रूप से बदलने जा रही है। कुंभ संक्रांति के दिन यानी कि आज के दिन भगवान सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इसके बाद पांच राशि वालों का जो भाग्य है ना, वो इतना ज्यादा उदय होगा, पांच राशि वालों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमक जाएगी। उनकी किस्मत में जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे दूर होगी। तो इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कुंभ संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है। कुंभ संक्रांति के दिन अगर आप भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उसकी पूजा विधि क्या है और कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस बार कुंभ संक्रांति के बाद बदलने जा रही है, चमकने जा रही है। दोस्तों, 13 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन कुंभ संक्रांति का त्योहार है। कुंभ संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अभी मकर राशि में विराजमान थे जो कि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और कुंभ राशि में पहले से ही भगवान शनिदेव विराजमान है। ऐसे में सूर्य और शनि दोनों की युति जो है ना, वो बहुत ही बड़ा बदलाव कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, 13 फरवरी के दिन सुबह 9:57 पर भगवान सूर्य देव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया। उस समय कुंभ राशि मन चुकी थी और कुंभ संक्रांति के आज के अगर पुण्य काल की बात करें ना, तो सुबह 7:02 से सुबह 9:57 तक पुण्य काल है। ऐसे में आप कुंभ संक्रांति पर सुबह सुबह दान करें, स्नान करें या भगवान सूर्य देव की पूजा करें और भगवान शनिदेव की आराधना करें। दोस्तों, कुंभ संक्रांति के महापुण्य काल के दौरान दान करने का विशेष रूप से महत्व होता है। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ इस दिन दान करता है ना, उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती। चलिए बात करते हैं कुंभ संक्रांति की पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गो माता का विशेष महत्व होता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, जब पेट में भूख होती और खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता तो सड़क पर इनको जो भी मिलता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने, कचरे के ढेर में अपना पेट भरने लगती है। बेचारी बेजुबान है, किसी से कुछ मांग भी नहीं सकती और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर यही गौ माता मारी जाती है। जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ आप सहयोग जरूर कीजिएगा। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2, 5 गौ माता को 1 दिन 2 दिन का हरा चारा, पौष्टिक आहार या उनको भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको जो पुण्य मिलेगा ना, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, और विशेष रूप से भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए जानते हैं मित्रों कुंभ संक्रांति की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, 13 फरवरी के दिन आप स्नान जरूर करें किसी भी पवित्र नदी में जाकर। अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल और उसमें कुछ दाने तिल के मिला दीजिए और उस पानी से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को नमस्कार करें और सूर्य को अर्घ्य दें और इसके बाद आप दान पुण्य वगैरह कर सकते हैं। शाम के समय जैसे ही चंद्रोदय होगा ना 6:30 बजे, उस समय एक बार फिर से आप भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप भोजन करें। उससे पहले भोजन नहीं करें। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए भी पीतल के लोटे में आपको जल लेना है। जल में कुछ बूंदे गंगा जल और तिल वगैरह मिलाने हैं, उसमें अक्षत भी आप डाल दीजिए और फिर भगवान शनिदेव और चंद्रदेव का स्मरण करते हुए आप भगवान चंद्रदेव को जल से अर्घ्य दें। बहुत ही जल्द मित्रों आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्द ही पूरी होगी। और आप सभी को पता ही होगा कि कुंभ संक्रांति में ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो कुंभ का मेला है ना, उसका आयोजन किया जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में उच्च पद चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहते हैं ना, तो आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की विशेष रूप से कृपा रहेगी और सूर्य देव के आशीर्वाद से आप हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाओगे। चलिए जान लेते हैं कुंभ संक्रांति के बाद यानी कि 13 फरवरी के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने जा रही है। सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव के कुंभ राशि में जैसे ही गोचर करेंगे उसके बाद मेष राशि वालों का आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, यश में वृद्धि होगी। अगर आप अपना खुद
का व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा और नौकरी में भी आपको उन्नति या तरक्की मिलेगी। मेष राशि के जातक जिस किसी भी क्षेत्र में जाए ना इस साल तो आपको खूब तरक्की ही मिलेगी। विशेष तौर पर यह जातक राजनीति, प्रशासन और कारोबार में सफल होते हैं और ये सफल कारोबारी भी बनते हैं। मेष राशि वालों का भाग्य अच्छा होगा, स्वभाव मधुर रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा। और वहीं अगर खुद का व्यापार करते हैं तो भी मित्रों इस साल भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव दोनों के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी परेशानियां है वो धीरे धीरे खत्म होगी। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि उनका जीवन हमेशा गरीबी में ही निकल जाता है पूरी उम्र मेहनत करते रहने के बावजूद भी। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरु जी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होगा, इसके लिए 251 रुपए गुरु जी की दक्षिणा रहेगी। अगर आपकी कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं से भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, किसी भी रिश्ते वाले का वापस से आपको जवाब नहीं मिल पाता, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है या आपका आर्थिक जीवन बहुत ही खराब चल रहा है, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरु जी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मु मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों भगवान सूर्य देव की कृपा से सिंह राशि वाले लोग जीवन में खूब मान सम्मान प्राप्त करेंगे। कुंभ संक्रांति के बाद साल 2023 में सिंह राशि वालों के जीवन में लगभग किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। सूर्य ग्रह के कुंभ राशि में गोचर से आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है और आपका खर्च बढ़ सकता है लेकिन आपकी जो इनकम है ना वो इस साल 2023 में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गति करेगी। आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में दोस्तों इस साल आपका भाग्य उदय होने की संभावना है, आपको नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। चलिए अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मकर राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर जा जी खी खू खे खो गा गी और भो से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। कुंभ संक्रांति के बाद सूर्य ग्रह के गोचर करने के बाद आपको सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। साल 2023 में 13 फरवरी के बाद का जो समय है ना, ये आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। आप जो भी काम शुरू करना चाह रहे हैं ना उसमें आपको सफलता मिलेगी और अवसर आपके लिए अनुकूल रहेगा। भवन और वाहन का सुख भी आपको मिल सकता है। इस साल आपके भाग्य उदय होने के जो चांसेज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ और भगवान सूर्य देव के साथ ही शनिदेव की भी आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहेगी। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गू गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि कुंभ राशि में भगवान शनि देव तो पहले से ही विराजमान है। कुंभ राशि में शनि की 7:30 चल रही है। 17 जनवरी 2023 के दिन शनि देव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था। अब दोस्तों आज के दिन कुंभ राशि में सूर्य देव ने प्रवेश कर लिया, ऐसे में सूर्य और शनि की युति स्पेशली कुंभ राशि में ही बन रही है, जिसके कारण कुंभ राशि वालों का जो भाग्य उदय है ना वो बहुत ही जल्द होगा। इस साल आपके लगभग सभी जो बिगड़े हुए काम है वो बनते चले जाएंगे। 2023 में आपने अभी तक जो व्यापार में जितना मुनाफा नहीं कमाया ना, उतना मुनाफा आप इस साल 2023 में कमा पाओगे। समय बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। समय और अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की मिलेगी या आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं ना तो भी आपको समय का साथ मिलेगा। और वहीं मित्रों इस साल 2023 में अगर आप नौकरी करते हैं तो भी प्रमोशन मिलेगा और
आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो भी आपका समय जो है आपके साथ में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री सूर्याय नमः, जय शनिदेव मित्रों।